बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम टॉपिक कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो हम डिफरेंस देखते हैं नंबर 9, व्हाई मोटिव इंटेंशन। जो डूअर ऑफ एक्ट है, डूअर ऑफ एक्ट बोले तो किसी ने मर्डर किया है, किसी ने अपने घर की छत से कोई पत्थर फेंक दिया है, कोई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, डिफेक्टिव गुड्स डिलीवर किए हैं। सिविल लॉ में डूअर ऑफ एक्ट का मोटिव और इंटेंशन नहीं देखा जाता। आपने कोई एक्ट किया है, आपके उस एक्ट की वजह से, अमल की वजह से मुझे लॉस हुआ है, मुझे कोई इंजरी आई है, यू आर बाउंड टू कंपनसेट मी। बेशक आपकी नियत वलीउल्लाह वाली हो, बेशक आपकी नियत दरवेशों वाली हो, बेशक आप फरिश्ते हो, अगर आपने कोई एक्ट किया है उसकी वजह से मुझे कोई लॉस हुआ, यू आर बाउंड टू कंपनसेट मी। आप ये नहीं कह सकते मेरी नियत साफ थी, मेरी नियत इनको फायदा पहुंचाने की थी, अब ये अलग बात है कि इनको लॉस हो गया। नहीं, सिविल लॉ में डूअर ऑफ एक्ट का मोटिव और इंटेंशन नहीं देखा जाता। उससे वाई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, तुमने डिफेक्टिव गुड्स क्यों डिलीवर की, तुमने अपनी बालकोनी से ये कचरा क्यों फेंका, तुम इसके स्टमक में टॉवल सीजर क्यों भूल गए। तो सिविल लॉ में वाई के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डूअर ऑफ एक्ट से उसकी मोटिव और इंटेंशन नहीं देखी जाती। लेकिन क्रिमिनल लॉ में जो एक्यूज्ड है उससे वाई का क्वेश्चन किया जाता है कि तुमने ये मर्डर क्यों किया, तो उसको एस्टैब्लिश करना होगा कि जी इसने मेरी रिलीजियस फीलिंग्स प्रोवोक की थी, क्योंकि मेरी जगह कोई भी गैरतमंद आदमी होता योर ऑनर वो कत्ल कर देता, क्योंकि ही केम टू किल मी एंड वाइल एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही वॉज किल्ड बाई मी। तो क्रिमिनल लॉ में वाई का क्वेश्चन होता है। क्रिमिनल लॉ में जो डोर ऑफ एक्ट है, जिसने जिसने दी वन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, उसका मोटिव और इंटेंशन देखा जाता है। वो आप ड्रामा श्रामा देख रहे होते हैं, उसमें इंस्पेक्टर कह रहा होता है आले कत्ल मिल गया है, लेकिन वजह कत्ल समझ में नहीं आ रही, वजह कत्ल समझ में नहीं आ रही। तो आप जंगल में शिकार खेलने गए, झाड़ियों में आपको एक जानवर दिखाई दिया, आपने फायर किया, वो ढेर हो गया, करीब पहुंचे तो पता चला वो एक इंसान था। तो क्या यहां पर आपकी गिल्टी इंटेंशन थी किसी ह्यूमन बींग का मर्डर करने की? कत्ल नहीं थी। तो बात यह समझ में आ रही है, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल लाइबिलिटी उस वक्त स्टैब्लिश होगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी उस वक्त इस्टेब्लिश होगी जब आपकी गिल्टी इंटेंशन, जब आपकी गिल्टी इंटेंशन इस्टेब्लिश हो जाए। मसलन आप यहां पर हैं, इंटीरियर में आपका घर लॉक पड़ा हुआ है और दहशतगर्द उस घर में रह रहे हैं, आपको नहीं मालूम वो प्लानिंग कर रहे हैं टेररिज्म की, आपको भी अरेस्ट कर लिया गया, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली की जाएगी, लेकिन आप तो यहां पर सीए की स्टडी कर रहे हैं, आपने अपार्टमेंट लिया हुआ है, सारा एविडेंस मौजूद है, आपको पता ही नहीं है, तो आपकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है। इस गिल्टी इंटेंशन को लैटिन में कहते हैं मेंसरिया, एमसीक्यू। तो मेंसरिया का मतलब गिल्टी इंटेंशन। तो क्रिमिनल केस में एक्यूज को पनिशमेंट कब मिलेगी? जब मेंसरिया एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर ये मेंसरिया गिल्टी इंटेंशन एस्टेब्लिश नहीं होती तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो हमने क्या बात की कि क्रिमिनल लॉ में मोटिव और इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, सॉरी देखा जाएगा, सॉरी मोटिव और इंटेंशन क्रिमिनल लॉ में देखा जाएगा, सिविल लॉ में नहीं देखा जाएगा। सिविल लॉ में आपके एक्ट की वजह से अगर किसी को लॉस हुआ है तो आप बाउंड है उसको कंपनसेट करने के लिए, बेशक यू आर एक्टिंग इन गुड फेथ। आगे आते हैं नंबर 10, आर्बिट्रेशन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, वो एग्जाम्पल मैं रिकॉल करवा लेता हूं। आपके डैड जो है वो एक ठेकेदार से घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आपके डैड और ठेकेदार के दरमियान कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया कंस्ट्रक्शन के किसी पर्सपेक्टिव से, तो कंस्ट्रक्शन के किसी पर्सपेक्टिव से कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया, तो अब आपके डैड भी हाईली क्वालिफाइड, वो भी पढ़ा लिखा, आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे ये सिविल मैटर, सिविल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए,
तो जजमेंट आएगा 1 महीने बाद, 10-12 महीने के बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। तो आप जो है किसी थर्ड पर्सन, न्यूट्रल पर्सन के पास जा रहे हैं इस डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन, उर्दू में सालिसी कहते हैं। तो जिस थर्ड पर्सन, न्यूट्रल पर्सन के पास जाएंगे उसको कहेंगे आर्बिट्रेटर सालिस। तो लॉ इस बात को इनकरेज करता है कि पार्टीज अपने सिविल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के जरिए रिसॉल्व करवाएं। सिविल डिस्प्यूट, अ सिविल डिस्प्यूट में बी रेफर टू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, बट अ क्रिमिनल डिस्प्यूट, मर्डर, रॉबरी, डकैती, किडनैपिंग, रेप, दिस कैन नॉट बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, इट विल ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो ट्राइबल बेल्ट है वो उनका अपना एक कल्चर है, वो एक अलग सिस्टम है, वो एक तरह का क्वासाई जुडिशियल सिस्टम है। तो क्रिमिनल मैटर जो है वो हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाएगा, वो आर्बिट्रेशन के जरिए आप रिसॉल्व नहीं करवा सकते। तो आप ये कहेंगे एक सिविल मैटर सिविल कोर्ट में चल रहा है और एक सिविल मैटर आर्बिट्रेशन में चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ऐसी बात को हम यूं पूछते हैं कि आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस, वो एक मशहूर जमाना, आपने डायलॉग सुना होगा, जज साहब आपसे मिला ही क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो सिविल जो केस है उसकी हियरिंग्स प्रोलॉन्ग पे प्रोलॉन्ग होती चली जाती हैं, नई तारीख मिल गई, नई तारीख मिल गई, नई तारीख मिल गई। आर्बिट्रेशन में नहीं ऐसा होता, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स स्पीडी होती हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स स्पीडी होती हैं एज कंपेयर टू द सिविल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और देखें कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई केस चल रहा है तो मीडिया वाले आ सकते हैं। उस्मान ने दावा कर दिया ये मीरा का हस्बैंड है, मीडिया वाले आ जाएंगे इसको कवरेज देने के लिए, लेकिन आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में मीडिया वाले नहीं आ सकते। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मीडिया वाले नहीं आ सकते। जो केस सिविल केस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है, आप अपने लॉयर को पेमेंट करेंगे, वो अपने लॉयर को पेमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी की अलग पेमेंट। अगर आप हर 1.5 हफ्ते बाद हियरिंग डेट तारीख के लिए कोर्ट जा रहे हैं ऊबर के जरिए, करीम के जरिए, वो एक अलग कॉस्ट। केस चल रहा है 1.5-2 साल तक, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। तो आर्बिट्रेशन में क्या होगा, दोनों पार्टीज कुछ रकम कंट्रीब्यूट करेंगी, कुछ ए कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ बी कंट्रीब्यूट करेगा, ये हैंडसम अमाउंट बन जाएगा। ये हैंडसम अमाउंट जो है वो आप आर्बिट्रेटर को दे देंगे। तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स दे आर मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अ सिविल केस विच इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आमतौर पर कंपनीज कोर्ट में नहीं आता। कॉर्पोरेट सेक्टर अपने डिस्प्यूट्स, अगर दो कंपनीज के दरमियान कोई जॉइंट वेंचर हुआ है, उसमें कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया है, तो वो आर्बिट्रेशन में जाते हैं। प्रोसीडिंग्स स्पीडी होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू अ सिविल केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके ऊपर हम पूरा एक लॉ पढ़ेंगे अदर लॉज में, आर्बिट्रेशन एक्ट। आगे आते हैं नंबर 11, लिमिटेशन एक्ट। उर्दू में कहते हैं कानून मयादे समात। मयाद निकला है मुद्दत से, मुद्दत का मतलब ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। समात का मतलब सुनना, सुनने की मुद्दत का कानून। तो लिमिटेशन एक्ट सिविल लॉ सिविल केसेस के ऊपर अप्लाई होता है, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्रॉस। अब ये क्या बात हो रही है, इसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक सम स्टूपिड एग्जाम्पल्स। आप ये बताएंगे जो किसी की लैंड या प्रेमिसेस में बगैर परमिशन के घुस जाए उसको क्या कहते हैं, ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग, उस बंदे को कहेंगे ट्रेसपासर। तो आपने केस फाइल किया, योर ऑनर इसने मेरे घर में ट्रेसपासिंग की है। तो जज साहब ने पूछा कब की थी, 12 साल पहले की थी। तो जज साहब का अगला सवाल होगा 12 साल से तेरे घर में क्या कर रहा है, कोई दोस्ताना है, याराना है, क्या चक्कर है। वन मोर स्टूपिड एग्जाम्पल, योर ऑनर ये मेरा एडजेसेंट नेबर है, इसने अपने घर की दीवार ऊंची कर ली है, इतनी ऊंची कर ली है, मेरे घर में फ्रेश एयर, धूप, सनलाइट नहीं आ रही, मेरा घर कब्र बन गया है। जज साहब ने पूछा इसने अपने घर की दीवार ऊंची कब की थी, जज साहब 60 साल पहले की थी।
जज साहब ने कहा अब तो तू वैसे ही कब्र में जाने वाला है, अब तू हमारे पास कहां से आ गया। तो बात ये समझ में आई कि एक शख्स के सिविल राइट्स की इंफ्रिंचमेंट होती है और वो सोता रहता है, वो नोटिस नहीं लेता, वो केस फाइल नहीं करता। अब वो ढीला कोर्ट ऑफ लॉ में आया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी मजहब उसकी मदद करने को नहीं कहेगा। विटनेसेस रहे या नहीं रहे, मर गए, जिंदा है, कहाँ नहीं है, किस हालत में, कौन ढूंढेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं है, जाया हो गया। तो बात यह समझ में आ रही है कि अगर एक शख्स के सिविल राइट्स की इंफ्रिंचमेंट होती है तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए, उस लिमिटेशन पीरियड में आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन पीरियड कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, क्या मतलब, बना दिया पार्लियामेंट ने, बना दिया, और उस कानून का नाम है लिमिटेशन एक्ट। पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है उसके टाइटल के आखिर में एक्ट का वर्ड आता है, लिमिटेशन एक्ट। दुनिया में जितनी भी मुमकिन सिविल इनजस्टिस की सिचुएशन हो सकती है, यू नेम इट, वी हैव इट, एक लंबा चौड़ा चार्ट बना हुआ है, उसमें हर सिचुएशन का एक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। किसी में वो लिमिटेशन पीरियड पार्लियामेंट ने कैसे डिसाइड किया है, उस सिचुएशन की ग्रेविटी इंटेंसिटी की बुनियाद पर। किसी सिचुएशन में 3 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैक्सिमम 12 साल, उस लिमिटेशन पीरियड में आपको केस फाइल करना होगा। वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, आप केस फाइल करेंगे, वो केस फर्स्ट हियरिंग पहली पेशी में डिसमिस हो जाएगा। लिमिटेशन एक्ट किसने पास किया, ये भी हमें गोरे ब्रिटिशर्स देकर गए थे, दे आर क्रिश्चियंस। क्रिश्चियनिटी में अगर एक कपल में शादी हो जाए तो उनके रिलीजन की बात कर रहे हैं, अभी एक्चुअली क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। तो अभी मैंने क्या कहा, लिमिटेशन एक्ट में, यू नेम इट, वी हैव इट, आप जो भी मुमकिन सिचुएशन सोचेंगे उसका लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन एक्ट में दिया गया होगा। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट गोरों में नहीं है। अब देखें लिमिटेशन एक्ट में क्या दिया हुआ है, मियां साहब ने कहा, यहां पर मियां साहब ने बेगम साहबा को 1 2 3 कर दिया, तलाक तलाक तलाक। मियाँ साहब ने ये किया है 1 जनवरी 2023। अब गोरों का लिमिटेशन एक्ट, जिनके अपने रिलीजन में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ये कहता है कि बेगम साहबा के पास 31 दिसंबर 2023 रात 12 बजे का टाइम पीरियड है, 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड है, जिसमें वो केस फाइल कर सकती हैं अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस नान नफका। वैलिड कदन इस्लामिक प्रिंसिपल से क्लैश नहीं कर रहा, 1 ईयर इज मोर देन इनफ मेंटेनेंस नान नफका हासिल करने के लिए। गुरों का कानून, जिनके अपने रिलीजन में डिवोर्स नहीं है, हमारे मामले के बारे में उन्होंने लिमिटेशन पीरियड दिया है जो इस्लामिक प्रिंसिपल से क्लैश नहीं करता। तो अगर ये डिवोर्सी खातून 1 साल के बाद 2024 में, 2024 में केस फाइल करती है मेंटेनेंस नान नफके के लिए, वो केस फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस हो जाएगा। तो यानी इतनी माइन्यूट सी बात का भी लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, तो इस लिमिटेशन पीरियड में केस फाइल करना होगा वरना ये डिसमिस हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन एक्ट सिविल लॉ सिविल केसेस में अप्लाई होता है, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता। यानी अगर कातिल 100 साल तक कानून की गिरफ्त में नहीं आता तो क्राइम की फाइल बंद नहीं होगी, वो खुली रहेगी। जस्ट इमेजिन अगर लिमिटेशन पीरियड क्रिमिनल लॉ में भी होता तो क्या होता, एक शख्स ने कोई क्राइम कमिट किया, उसका लिमिटेशन पीरियड लेटेस्ट से 6 महीने, वो 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हुआ, 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ, 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होते ही उसके क्राइम की फाइल बंद हो गई, वो रिसरफेस हुआ, फिर उसने कोई और क्राइम कमिट किया, इसका लिमिटेशन पीरियड था 10 महीने, वो दोबारा अंडरग्राउंड हो गया, 10 महीने का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ, फिर वो रिसरफेस हुआ, फिर कोई क्राइम कमिट किया, फिर अंडरग्राउंड हो गया। तो ये छुपा लुकी का खेल दो प्रेमियों में तो चल सकता है, स्टेट और क्रिमिनल्स में नहीं चल सकता। तो क्रिमिनल लॉ में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन पीरियड, फाइल बंद नहीं होगी क्राइम की जब तक मुलजिम कानून की गिरफ्त में नहीं आता मुजरिम। नीचे आते हैं अब नंबर 12, बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब समझ लें,
ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया, योर ऑनर इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके वजह से मुझे लॉस हुआ, मॉनेटरी कंपनसेशन दिलवाई जाए। ए हो गया प्लेंटिफ, द वन हु फाइल्स द सिविल केस। बी हो गया डिफेंडेंट, द वन अगेंस्ट हुम द सिविल केस इज फाइल्ड। अब ये कहानी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कौन लेकर आया? ए। भाई तू कहानी लेकर आया, एक तो तुझे ये कहानी स्टैब्लिश करनी होगी, प्रूफ करनी होगी जज साहब के सामने। क्या मतलब? नंबर वन, ए को ये स्टैब्लिश करना होगा, ये प्रूफ करना होगा मेरे और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है था। नंबर टू, उसको ये प्रूफ करना होगा कि इसका ये अमल ब्रीच ऑफ इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, इसका ये अमल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसको ये स्टैब्लिश करना होगा इसने जो हरकत की है ये इसका अमल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब? न्यूली मैरिड बच्ची रोती रोती घर आ गई, उसने कहा जी मुझे मेरे मियाँ ने तलाक दे दिया। बड़ों ने पूछा क्या हो गया बेटा, बताओ तो सही क्या हुआ? उसने कहा मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम मेरी बहन जैसी हो। मौलवी साहब को बुलवाया गया, क्या ये अमल डिवोर्स के जुमरे में आता? उन्होंने कहा नहीं, डिवोर्स के जुमरे में नहीं आता। तो अगर ए ये कह रहा है इसने ये अमल किया तो उसको साबित करना होगा इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर टू इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, नंबर थ्री ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे लॉस हुआ है, नंबर फोर उस लॉस की कंपनसेशन इतनी बनती है। ये सब कुछ प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए के ऊपर है, उसने ये सिविल केस फाइल किया। तो सिविल केस में बर्डन, इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको कहते हैं ऑनस ऑफ प्रूफ। तो सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियली प्लेंटिव के ऊपर होता है, इनिशियली प्लेंटिव के ऊपर होता है। क्या मतलब? अगर बी आदमी जब तक अपनी जुबान बंद रखेगा उसकी इज्जत रहेगी, जैसी जुबान खोलेगा उसकी औकात खुल जाएगी। तो अब बी को जिसके खिलाफ ये केस फाइल हुआ उसको चाहिए खामोश रहे। तो बी ने कोर्ट ऑफ लॉ में लुकमा दे दिया, योर ऑनर मैं और मेरे बंदे गुड्स लेकर गए थे इनके गोडाउन पे, इनके गोडाउन में ताला लगा हुआ था। बी कौन है? डिफेंडेंट। ये कहानी कौन सुना रहा है? डिफेंडेंट। जब तू ये कहानी सुना रहा है तो ये कहानी अब तू प्रूफ कर कि तू और तेरे बंदे गुड्स लेकर गए थे और गोडाउन में ताला लगा हुआ था। तो इसका मतलब सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। क्रिमिनल केस में जो बेसिक एक्विजिशन है, जो बुनियादी इल्जाम है, केस मर्डर किया है, इस बेसिक एक्विजिशन के हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा। ये कभी भी शिफ्ट होकर एक्यूज पर नहीं जाएगा। बेसिक एक्विजिशन, मर्डर इसने किया है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा, ये कभी भी शिफ्ट होकर एक्यूज पे नहीं जाएगा। ओके, आपके बिहाफ पे मैं सवाल करता हूं, क्या एक केस एक ही वक्त में सिविल केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है? आपके बिहाफ पे सवाल कर रहा हूं, इससे आपको ये लर्निंग भी डेवलप होगी क्या सवाल करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप सीयू पे वॉकिंग कर रहे हैं, एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, उसने आपको हिट किया, आप दूर जाके गिरे, आपको टांगों में सीवियर फ्रैक्चर हो गया, आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कहते हैं हम लंदन के अंदर हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी का नंबर आ गया, उसका चेहरा भी आ गया, आप हॉस्पिटल में हैं, वहां पर आपका रिकवरी में जो कॉस्ट आई है लेटेस्ट से वो आ गई आपकी 2-3 करोड़। आपने केस फाइल कर दिया, योर ऑनर इसने मुझे हिट किया है, ये मेरे मेडिकल एक्सपेंडिचर है 2 करोड़ रुपए, प्लस मेरा बिजनेस मेरी एब्सेंस की वजह से शट डाउन रहा है, आई एम सोल प्रोपराइटर, मेरा ये 5 साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, मेरा बिजनेस 5 महीने बंद रहा है, आई वॉज ऑन बेड। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ये फर्गोसन है, पाकिस्तान की नंबर वन ऑडिट फर्म है, ये कैलकुलेशन करके बताएंगे 5 महीने जो मेरा बिजनेस शट डाउन रहा है मुझे 5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो 5 करोड़ ये और 2 करोड़ वो मेडिकल एक्सपेंसेस, 7 करोड़ मुझे इससे दिलवाई जाए, प्लस ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था। पीपीसी के इस सेक्शन के तहत रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है दिस इज अ क्राइम और इसकी पनिशमेंट है 6 महीने, ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार। तो ये केस एक ही वक्त में सिविल केस भी और क्रिमिनल केस भी है। सिविल केस आप उससे कंपनसेशन मांग रहे हैं, क्रिमिनल केस आप कह रहे हैं
ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार, क्या ये एक ही वक्त में चलेंगे, एक ही अदालत में चलेंगे? नो, सिविल केस आप सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे, क्रिमिनल केस के लिए आप एफआईआर कटवाएंगे, सीसीटीवी फुटेज निकाल के लाएंगे जिसमें उसका चेहरा गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है, एफआईआर कटवाएंगे, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, सरकारी वकील के हवाले करेगी, क्रिमिनल केस इनिशिएट होगा। तो एक ही वाकया एक ही वक्त में सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों का सबब बन सकता है। चलिए एक और सवाल, सवाल करना मैं आपको सिखा रहा हूं, एक और सवाल, कैमरा इधर कर दे। ए पाकिस्तानी, बी इंडियन, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेटेस्ट से जापान में, गुड्स की डिलीवरी हुई है यूएसए में और पेमेंट जो है वो हुई है यूके में। अब आगे चलकर इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट डेवलप हो गया रिगार्डिंग दिस केस, तो कौन सी अदालत में केस फाइल करेंगे? इन पांचों मुल्कों की किसी भी अदालत में केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी ने इंग्लैंड की अदालत में केस फाइल कर दिया और जजमेंट बी के खिलाफ आ गया। अब वो कैलकुलेशन कर रहा है, अपील अगर मैं यूएसए की अदालत में या इंडिया की अदालत में फाइल करूं तो मैं अपील जीत जाऊंगा। नहीं, जहां आपने केस फाइल किया था अपील आप उसी मुल्क की अदालत में फाइल करेंगे। तो इन पांचों मुल्कों में से किसी भी मुल्क की अदालत में केस फाइल किया जा सकता है और अगर जजमेंट आपके खिलाफ आता है तो अपील उसी मुल्क की आला अदालत में फाइल करेंगे, ना कि बाकी चार ममालिक में से किसी एक मुल्क की अदालत में। तो ये हमने थोरोली सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस कर लिया। आप पूछेंगे पेपर में इसमें से क्या आ सकता है, एमसीक्यूज आएंगे हजारों, इसमें सैकड़ों एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन माजी में आ चुका है, डिफाइन सिविल लॉ, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ की डेफिनेशन मैं कई बार रीड आउट कर चुका हूं, आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। सिविल लॉ की एग्जाम्पल क्या हो गई? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट लॉ, शिपिंग लॉज, लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ टैक्सेशन, ये सब सिविल लॉ की काइंड्स हैं। तो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। हास्ता ला विस्ता।